हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम एक एक्सरसाइज है जो प्रीपोजिशन के ऊपर बेस्ड है, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी प्रीवियस हमने वीडियोस बनाई थी, वो मॉडल्स के ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस थी जो आपके लिए हमने सॉल्व की थी, और कुछ मैंने प्रैक्टिस वर्क के लिए भी आपको दिया था। तो आई होप ने आपने उन सबको सॉल्व किया होगा और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मॉडल को फिल किया जाता है। तो आज इसी तरह हम प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज, वी आर वेरी एक्साइटेड डैश और ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक। वो कह रहा है हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारी जो ट्रिप है वो नेक्स्ट वीक को कहाँ जानी है, स्पेन में, स्पेन जाएगी। तो अब वो कह रहा है कि हम बहुत एक्साइटेड हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका एट तो आ ही नहीं सकता, ठीक है? एट ए पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद आपका विद भी नहीं आ सकता, आपका ओवर भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, अबाउट। अबाउट होता है के बारे में। तो हम वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट आवर ट्रिप, हम अपनी ट्रिप के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जो नेक्स्ट वीक स्पेन जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा अबाउट। द सेकेंड सेंटेंस इज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश हैविंग अ मीटिंग विद यू नेक्स्ट वीक। वो कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। फ्रो वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, फॉरवर्ड होगा, ठीक है? ये मिस्टेक है एक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश हैविंग अ मीटिंग विद यू नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक हमारी क्या होगी, एक मीटिंग होगी। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, मतलब फॉरवर्ड था, आगे की तरफ देख रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक हमारी क्या होगी, एक मीटिंग होगी तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे विद हैविंग नहीं आएगा, एट हैविंग नहीं आएगा, और फ्रॉम हैविंग नहीं आएगा। यहाँ पे आपका रहेगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग, ठीक है? तो यहाँ पे टू आएगा। आई एम ड्रीमिंग डैश बिकमिंग अ फेमस साइंटिस्ट वन डे। वो कह रहा है कि मैं किसके बारे में ड्रीमिंग कर रहा हूँ। मैंने ऊपर बारे में हिंदी में भी जिसका मीनिंग आता है, कुछ वर्ड्स ऐसे आप हिंदी में भी करके देखेंगे सेंटेंसेस को तो भी पता चल जाए। आई एम ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग, किस बारे में, कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा एक दिन में, मुझे मेरा ड्रीम है तो एक दिन एक साइंटिस्ट बनूंगा। तो वो इस चीज का ड्रीम ले रहा है, तो अबाउट आएगा यहाँ पे। तो माई कजन इज मैरिड डैश टू ए फेमस अमेरिकन। तो माई कजन जो है, मेरा जो कजन है वो किस लिए, माई कजन इज मैरिड, मैरिड किसके साथ, माई कजन इज मैरिड टू अ फेमस। यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया, टू मैंने पहले ही फिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू अ फेमस अमेरिकन, ठीक है? तो ये टू आपका पहले से ही फिल हो रखा है यहाँ पे, तो इसलिए ये दो बार टू नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। तो ये टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, तो यहाँ पे टू आएगा। तो माई कजन इज मैरिड किससे, टू अ फेमस अमेरिकन से मैरिड है, ठीक है? आई एम रिस्पॉन्सिबल डैश ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। अब वो कह रहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं किसके लिए, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द न्यू रिक्रूट्स। मतलब वो कह रहा है कि मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो न्यू रिक्रूटमेंट हुई है उनकी ट्रेनिंग के लिए। फॉर आएगा, फॉर होता है के लिए, ठीक है? यहाँ पे फॉर आएगा। मैनी पीपल टुक एडवांटेज डैश द लो प्राइस ऑफर्ड बाय न्यू शॉप। वो कह रहा है बहुत सारे पीपल जो है वो टुक एडवांटेज, एडवांटेज ले चुके थे, मतलब वो ले लिया उन्होंने एडवांटेज, दैट द लो प्राइस ऑफर्ड बाय न्यू शॉप। जो भी न्यू शॉप ने लो प्राइस दिया है उसके, उन्होंने उसकी एडवांटेज ले ली है। तो आर मैनी पीपल टुक एडवांटेज ऑफ द लो प्राइसेस, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ प्रीपोजिशन हम फिल करेंगे। सेवेंथ वन इज, द प्रेसिडेंट वाज थैंकफुल डैश एवरीवन हु हेल्प्ड इन द कंपेन। वो कह रहा प्रेसिडेंट थैंकफुल था किसके लिए, फॉर एवरीवन, कि हर किसी ने क्या किया है, हेल्प किया था कंपेन में, ठीक है? इसलिए वो सबके लिए थैंकफुल है, तो फॉर आएगा। तो वियरिंग अ सीट बेल्ट कैन प्रोटेक्ट यू डैश बीइंग किल्ड इन अ कार। वो कहता है अगर आप तुम सीट बेल्ट पहनते हो तो वो क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है यू फ्रॉम बीइंग किल्ड इन अ कार। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ठीक है? देखिए, आप पढ़ते ही आपको कोई प्रीपोजिशन जो है वो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप फिल करूंगी। द कस्टमर केम टू द शॉप टू कंप्लेन डैश देयर सर्विस। कस्टमर शॉप पे आए थे टू कंप्लेन करने के लिए, कंप्लेन फॉर देयर सर्विस,
जा अबाउट देयर, यहाँ क्या आएगा अबाउट देयर सर्विस, मतलब उनके सर्विस के बारे में उनको क्या कंप्लेन करने आए थे, अबाउट आएगा। और एटमॉस्फेयर कंसिस्ट डैश ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी किस किस से बनी है, कंसिस्ट ऑफ, जहां क्या आएगा कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज यूर द एडवर्टाइजिंग कंपेन रिजल्टेड डैश हंड्रेड्स ऑफ न्यू कंपेन कस्टमर्स फॉर द कंपनी, जो एडवर्टाइजिंग कंपेन था उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हंड्रेड रिजल्टेड इन, उसका रिजल्ट किसमें हुआ है, हंड्रेड ऑफ न्यू कस्टमर्स आ गए हमारी कंपनी में, इन आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो ये सेम है पीछे वाला ही, ही ग्रेजुएटेड डैश ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम, क्या आएगा फ्रॉम आएगा इन आएगा, यहाँ आएगा फ्रॉम, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या है ग्रेजुएटेड है, तो यहाँ आपका फ्रॉम आएगा। वी यूजली गो ऑन हॉलीडेज, हम यूजली हॉलीडेज पे जाते हैं बाय, किसके द्वारा जाते हैं बाय प्लेन के लिए, बट दिस ईयर वी आर गोइंग टू इटली बाय कार, लेकिन हम इस ईयर कार के द्वारा जा रहे हैं। ठीक है, तो बाय बी बाय, द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड, जहां एट अ स्पीड आएगा, एट है ना, द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ ओवर 150 किलोमीटर एंड, और ट्रेन ट्रेन कैसे ट्रेवल कर रही थी, एट अ स्पीड मतलब एक प्रॉपर स्पीड बता रहा है वो, 150 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट 16 वाला, बैट्स आर मैमल्स दैट आर हाईली एक्टिव एट राइट, बैट्स क्या होती हैं, मैमल्स हैं जो हाईली एक्टिव रहती है। ठीक है, एट राइट मतलब सही जगह पे वो क्या रहती है, एक्टिव रहती है। दैट नाइट फॉल ओवर 10 इंचेस ऑफ स्नो हैड फॉलन बाय नाइट फॉल, वो कहता है नाइट फॉल के द्वारा 10 इंचेस से ऊपर स्नो जो हुई थी, मतलब रात के समय, बाय वो 10 इंचेस ऑफ स्नो हैड फॉलन, मतलब 10 इंच तक वहां पे क्या पड़ी है, स्नो पड़ी है, इतनी ज्यादा स्नो इकट्ठी हो रखी है वहां पे, स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुआ है। 18th आपका, डॉक्टर होप दैट स्प्रेड ऑफ द वायरस विल स्लो डाउन इन द समर, ई आर होगा यहाँ पे, डॉक्टर वो कहता है आशा करते हैं कि ये जो वायरस है, जो जैसे कोरोना वायरस आया था, वो स्लो हो जाएगा इन द समर, मतलब समर सीजन में वो कम हो जाएगा, गर्मियों में कम हो जाएगा। 19 इज डैड ऑलवेज रीड्स हिज डॉटर बेड टाइम स्टोरीज इन द इवनिंग, अब मैंने आपको बताया था मॉर्निंग के लिए इवनिंग के लिए आप इन यूज करते हैं। ठीक है, इन द इवनिंग, द कैट वॉज प्लेइंग विद अ बॉल डैश द कॉर्नर ऑफ माइकल्स रूम, बॉल इन द कॉर्नर ऑफ द माइकल्स रूम, मतलब किसमें, कॉर्नर में, इन यूज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, द डैश एवरेज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन गोइंग अप 1% ईयर, यहाँ आएगा बाय एवरेज, मतलब एवरेज यहाँ आएगा ऑन एवरेज, सॉरी ऑन एवरेज, एवरेज के ऊपर हम क्या करेंगे, इंप्लॉयमेंट रेट जो है वो 1% हर ईयर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऑन एवरेज यहाँ। 22 का, द बॉस वुड लाइक टू हैव द रिपोर्ट डैश द एंड ऑफ द डे एट द लेटेस्ट, बॉस क्या चाहता है, रिपोर्ट चाहता है एट द, जहाँ आपका यहाँ पे क्या आएगा बाय द एंड ऑफ द, किसके द्वारा, एंड मतलब हर डे के एंड में बॉस को क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो बाय आएगा यहाँ पे। शी हैज बीन द मेंबर ऑफ द कमेटी डैश 6 ईयर, शी हैज बीन मेंबर ऑफ द कमेटी, वो कब से मेंबर है उसकी कमेटी की, यहाँ पे क्या आएगा आपका 23 में, फॉर 6 ईयर, 6 ईयर से ही क्या है मेंबर है। ठीक है, द विलेज इज नॉट इवन डैश द मैट, द मिले विलेज इज नॉट इवन इन द, क्या यहाँ आपका रहेगा ऑन द मैप के ऊपर, विलेज नहीं है बिकॉज इट्स सो स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटा सा है तो दिख नहीं रहा प्रॉपर। 25 पे लेट्स मीट एट नून, अब देखिए नून तो आपको प्रॉपर पता है कि 12 बजे ही होता है। ठीक है,
जैसे एट नाइट मिडनाइट आपकी 12 बजे होती है, वैसे नून आपका 12 बजे होता है. लेट्स मीट एट नून, वी कैन हैव लंच एंड सॉर्ट थिंग्स आउट. एट आएगा यहाँ पे. टेक अ सीट, आई विल बी विद यू, आई विल बी विद यू इन अ मिनट. आप सीट लीजिए, आप सीट टेक अ सीट, आप बैठिए. तो आई विल बी विद यू, मैं तुम्हारे साथ अभी 1 मिनट में ही तुम्हारे साथ हूँ. ठीक है, तो ये आपका रहा प्रीपोजिशन की 26 जो सेंटेंसेस किए हैं. तो नेक्स्ट चाहिए आपकी जो है, ये आपका करेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन. जो चॉइसेस दी हैं इन्हीं में से आपने क्या करना है, इसको फिल करना है. हाँ, नेक्स्ट जो रहा था वो प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज, बैक करना. तो वो प्रीपोजिशन की जो पीछे एक्सरसाइज दी है, आई होप कि आप उसको अच्छे से कर पाएंगे. वो एक्सरसाइज आपके लिए है. ये आपकी वो मॉडल्स की एक्सरसाइज थी जो हमने पीछे की थी, आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था. तो आई होप कि आप इसको कर चुके होंगे. तो आज एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. डॉक्टर ग्रीवाल, आई हेट टू से दिस मिस्टर राय, बट यू आर इन अ टेरिबल शेप. अब मिस्टर राय क्या कहते हैं, आई नो व्हाट शुड आई डू, कि मुझे क्या करना चाहिए था. मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए था. ठीक है, तो यहाँ पे शुड मॉडल आएगा. डॉक्टर ग्रीवाल, वेल सिंस यू आर सो ओवरवेट यू मस्ट गो ऑन ए डाइट. अब मिस्टर ग्रीवाल कह रहा है कि ठीक है, लेकिन तुम क्या, वेल सिंस अब तो अच्छा है, यू आर सो ओवरवेट, तुम क्या हो, बहुत ओवरवेट हो. और यू मस्ट, अब ये जरूरी है कि तुम्हें क्या, मस्ट मतलब इट्स मस्ट, इट्स ये एडवाइस नहीं है, ये जरूरी है कि यू गो ऑन ए डाइट. तुम्हें क्या होना चाहिए, डाइट पे रहना चाहिए. मिस्टर राय, यू आर राइट, आई शुड नॉट ईट सो मच फ्राइड स्टफ. वो क्या, मिस्टर राय कह रहा है कि तुम सही कह रहे हो, तो यू आर राइट, तुम सही हो कि मुझे ज्यादा क्या नहीं, आई शुड नॉट ईट, मुझे नहीं खाना चाहिए ज्यादा फ्राइड स्टफ जो होता है, फ्राइड जो होता है वो नहीं खाना चाहिए. डॉक्टर ग्रीवाल कहता है दैट्स राइट, एंड यू शुड आल्सो स्टार्ट एक्सरसाइज, और तुम्हें एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी चाहिए. तो शुड जो है वो आएगा. मिस्टर राय, कुड आई स्टार्ट विद वॉकिंग फॉर एन आवर एवरी डे. मिस्टर राय पूछ रहे हैं उनको कि क्या मैं ये भी 1 घंटा डेली की सैर भी स्टार्ट कर सकता हूँ. ठीक है, डॉक्टर ग्रीवाल, यस बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू मस्ट क्विट स्मोकिंग इमिडिएटली. क्विट स्मोकली, सॉरी, क्विट स्मोकिंग इमिडिएटली. लेकिन वो कहता है हाँ, लेकिन क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये बहुत जरूरी है कि तुम जल्दी जल्दी से जल्दी, तुम्हें क्या करना चाहिए, इमिडिएटली एकदम से ही तुम्हें अब स्मोकिंग जो है उसे क्विट कर देना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपकी मॉडल की एक्सरसाइज थी जो हमने की थी. तो गाइस, ओके, फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.